मानसून सत्र खत्म होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांगड़ा के एक दिवसीय दौरे पर कांगड़ा पहुंच चुके हैं। कांगड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायकों के यात्रा भत्ते में की गई बढ़ोतरी को गलत तौर तरीकों से प्रचारित किया जा रहा है, जबकि ये बहुत कम बढ़ोतरी है जिसे जन प्रतिनिधि होने के नाते विधायकों के लिए बढ़ाना अति जरूरी था। इतना ही नहीं, 90% विधायक इस भत्ते का प्रयोग भी नहीं करते और जो इसका प्रयोग करते हैं उन्हें भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जबकि अब इसे सही करने की कोशिश की गई है। कांगड़ा पहुंचते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ताबड़तोड़ उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर बने सनोरा चौक से मुख्य संपर्क मार्गों और विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में करीब 200 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। यहां उन्होंने कांगड़ा पुलिस स्टेशन की भी नींव रखी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से कांगड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पहुंचेगा। देश विदेश से यहां लोग इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावना है, क्योंकि सरकार की ओर से पीएम से आग्रह किया गया है। पंजाब की तर्ज पर हिमाचल में भी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा प्रदेश में संभव नहीं है। धर्मशाला उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने लोगों से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि धर्मशाला से किशन कपूर के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है और जल्द ही यहां पर उपचुनाव होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लोकसभा चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जीत लोगों ने दिलाई है, वैसे ही जीत उपचुनावों में भी लोग भाजपा को दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि संगठन एवं पार्टी हाईकमान से विचार विमर्श के बाद भाजपा प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। देश भर में राष्ट्रीय एकता के परिचायक गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और छोटी काशी मंडी की प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर में भी सिद्ध गणपति ट्रस्ट मंडी के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। गणेश महोत्सव 2 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव के शुभारंभ मौके पर एडीसी मंडी अनुराग गर्ग ने प्राचीन सिद्ध गणपति मंदिर पहुंचकर प्राचीन सिद्ध गणपति की विधिवत पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर एडीसी मंडी अनुराग गर्ग ने कहा कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर उन्हें प्राचीन सिद्ध गणपति के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है और उन्होंने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर मंडी जनपद की सुख समृद्धि की कामना की। नूरपुर के छत्रोली से सेंट जेबियर कैम्ब्रिज स्कूल को जाने वाले रास्ते में झुके हुए पेड़ कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। स्कूल की बसें बच्चों को मेन सड़क पर ही उतार रही हैं। पेड़ों के कारण बसें स्कूल तक नहीं पहुंच रही हैं। बच्चों के अभिभावक चिंता में हैं। अभिभावकों ने प्रशासन व वन विभाग से सवाल किया है कि अगर पेड़ गिरने से कोई हादसा हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। सोलन के लक्कड़ बाजार में गणेश चतुर्थी का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस दौरान भगवान श्री गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव साजल ने किया। ये यात्रा हॉस्पिटल रोड से आरंभ हुई और चौक बाजार होते हुए लक्कड़ बाजार पहुंची। गणपति बप्पा मोरिया के नारों के साथ सारा सोलन भक्ति रस से सराबोर नजर आया। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव साजल ने बताया कि गणेश चतुर्थी पर सबको बधाई दी और कहा कि गणेश उत्सव का आरंभ गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में समरसता लाकर राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना था, ताकि समाज एक और एकता की भावना से सभी मिलकर आगे बढ़े। इसमें वे कामयाब भी हुए। उन्होंने कहा कि आज ये पर्व सारे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल मात्र भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकालना ही नहीं, बल्कि इसका मंतव्य एकता की भावना को भी जागरूक करना है। इस उद्देश्य में हम सभी कामयाब हो रहे हैं, ये उनका विश्वास है।